हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका डेली व्लॉग शीटर में स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। आप सबको मेरी तरफ से राधे राधे। सो गाइस, आ गई हूँ मैं एक और इन्फॉर्मेशन देने। जैसे कि कल मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी और उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन बताई थी, तो मैंने अभी जस्ट जैसे कि मैंने टाइम दिया हुआ है 2 दिन का, बट फिर भी मैंने जितने भी मेरे पास आईडीज थी वो आईडीज मैंने इंक्वायरी के लिए दी है, और उधर से ही जो पुलिस वाले हैं वो भी और आईडीज ढूंढने की कोशिश कर रहे कि और फेक आईडी मिले तो उनसे कांटेक्ट कर सके। तो अभी फिलहाल मेरे कहने पे जो गंदगी मचा रहा है उसकी आईडी को लेके पुलिस वालों ने इंक्वायरी की। तो इंक्वायरी में पता चला कि जैसे कि मैंने कहा था कि जीआर म्यूजिक कुछ है, जीआर म्यूजिक स्टार ऐसे करके उस आईडी की इंक्वायरी की। तो उस आईडी में पुलिस वालों ने आज ही मुझे बताया था, तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये कोई 22 साल का लड़का है और जो घनश्याम राजपूत नाम है इसका, जो मेरी आईडी चला रहा है फेक आईडी। और देन जैसे कि लाइक आप ये देख लीजिए कि इस इंसान के अंदर मतलब कि जो फेक आईडी चला रहे हैं उन लोगों के अंदर इतना भी डर नहीं है कि भाई ये बंदी कुछ करी कर सकती है। उन्होंने जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये लोग मेरी किसी भी चीज को सीरियसली लेंगे नहीं, हल्के में लेंगे। तो ये देखिए, इसने मेरा ब्लॉग देखा होगा, उसने तो उसने क्या क्या कि मेरी रील में से फोटो निकाल के लिख दिया कि ये मेरी आईडी के अलावा किसी गलत आईडी को फॉलो ना करे, कचरा मचा दिया है फेसबुक पर लोगों को मेरे नाम से। वाह भाई, मुझे तो इधर फेसबुक के आईडी बनाए बस कुछ 4-5 दिन ही हुए, पहले तो मैं फेसबुक में थी नहीं, तो कहां से आ गई भाई। नहीं मतलब कि इतनी भी शर्म नहीं है कि हाँ ये बंदी एक्शन ले सकती है, और सबसे पहले तेरी ही आईडी सबसे ऊपर मैंने दिखाई है। और जब पुलिस वालों ने इसे पूछा तो इसने कहा कि ये मेरी भाभी की बहन की बेटी है, ये बहुत ही गरीब घर से है और दिल्ली में रहती है, उसका ऑफिशियल अकाउंट मैं संभालता हूँ। भाई मैं अगर गरीब हूँ तो मैं तुझे क्यों संभालने दूंगी, मैं खुद ना संभालू। मतलब कि झूठ बोलने की कोई हद होती है। मतलब खुद पुलिस वाले इंक्वायरी कर रहे हो, ये उनसे झूठ कह रहे हो, मुंह पे ही ये झूठ कह रहा है कि मेरी भाभी की बहन की बेटी है, ये गरीब है, दिल्ली में रहते ये। लाइक मतलब कि आप खुद देख लीजिए, इतना बेशरम इसके अंदर गुस्सा हुआ है। मन कर रहा है कि अगर सामने होता ना 3-4 रख के मारते इसके कान के नीचे। मतलब कि बहुत हुए, इतनी भी शर्म नहीं आई। लाइक मैं इंक्वायरी करवा रही हूँ और ये बंदा कैसे लाइक, और ऊपर से ये मेरी किसी बात को सीरियसली ले नहीं रहा, मौके का फायदा उठा रहा है और मेरी फोटो निकाल के पोस्ट में ऐसे लिख रहा है। भाई लगता है इसने ठीक से सुना नहीं, इसके आईडी मैंने साफ साफ लोगों को दिखाई है, लोगों को पता चल गया कि हाँ ये फेक आईडी है, और इसी के डर से इसने अपने आईडी का नाम भी बदल दिया है। उन्होंने मुझे बताया कि इसने इंक्वायरी के चक्कर में पूछा गया था तो इसने क्या बोलते हैं आईडी का नाम बदल लिया, अब इसने GR Music 1+ ऐसा कुछ रख लिया है। भाई अभी एक पे इंक्वायरी मैंने करी है उसका, जैसे कि मैंने पहले भी धमकी दी थी कि अगर मैं अपने पे आ गई तो मैं सबका पता निकाल लूंगी, और इस इंसान का भी पता निकल चुका है, घनश्याम नाम है, 22 साल का है और ऐसे से झूठ। और बाकी आईडीज पे भी इंक्वायरी हुई थी और पुलिस वालों ने मुझे कहा कि बाकी सब कह रहे कि किसी ने तो कहा कि तो मेरी वाइफ की, और किसी ने तो पता क्या कहा, जो मेरी फेक आईडी चला रहा है उसका नाम मुझे नहीं पता, उन्होंने नहीं बताया बातों बातों में। तो उन्होंने कहा कि मैम एक बताया था कि ये तो मेरी वाइफ है, मैं तो अपनी वाइफ की आईडी चला रहा हूँ, आपको क्या दिक्कत हो रही है। लाइक मतलब पुलिस वाले को साफ सीधा उसने ये कह दिया कि तो मेरी वाइफ है, मैं चला रहा हूँ, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है। मतलब कि उस बंदे को पुलिस का भी डर नहीं है, इतना बेशरम है। पुलिस को खुद इस बात पे इतना गुस्सा आया कि अगर उनका बस चलता ना वो उसको घसीट के लाते जहां से भी थे। तो मैं तो बस इतना कहूंगी, जो अभी तूने और बाकी सब फेक आईडी वाले हो ना, फेक आईडी वालों ध्यान से मेरी बात सुन लो।
अभी तो बस एक पे एक दो पे अभी तो सिर्फ दो इंसानों पे इंक्वायरी मैंने उठाई है, उनके सारा अता पता निकाल दिया है, एक एक करके सारी फेक आईडी वाले लोगों का अता पता नाम वाम सब निकलवा लूंगी और कोर्ट में घसीटते हुए लेके आऊंगी। खुद तो चक्कर लगाऊंगी, जैसे मैंने कल की वीडियो में कहा, खुद तो कोर्ट कचहरी के पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाऊंगी, साथ में तुमको भी लगवाऊंगी और जेल के अंदर भी करवाऊंगी। ये मत सोचना कि गंद मेरे नाम से गंदगी फैलाओगे पूरे सोशल मीडिया पे तो मैं सिर्फ चुपचाप बैठी रहूंगी, बिल्कुल भी नहीं, एक्शन लूंगी, एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगी। जो जितने भी फेक आईडीज मेरे नाम से चलाई जा रही हो और मेरी फोटोज का मिस यूज करके सोशल मीडिया पे जो ये गंदगी फैलाई जा रही है, ये सब बंद कर दीजिए, क्योंकि अभी बस मैंने दो लोगों के पर इंक्वायरी बिठाई है, बस मैं बोलने की दे रही है। जहां पे जहां से मैंने बोला, जैसे कि स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि मैं खुद इंस्पेक्टर से बात कर रही हूँ उस चीज पे, तो सोच लो अगर मैंने एक बार भी इंस्पेक्टर से बात बोला कि इन दोनों को घसीटते हुए लेके आओ, तो सोचो क्या हाल होगा। और तब सामने मैं बताऊंगी। अभी आप तुम फेक आईडी वाले को विश्वास नहीं होता ना कि हाँ ये ऐसी धमकी ऐसी बकवास की बातें कर रही थी, अब खुद देख लो, सबूत है मेरे पास, खुद पुलिस इंस्पेक्टर ने इंक्वायरी करी थी, सबसे उसका नाम वाम सब कुछ निकाला है, इसलिए कह रही हूँ मेरे नाम से गंदगी फैलाना बंद करो, नहीं तो पूरी उम्र भर पछताना होगा, क्योंकि बहुत झेल लिया। इधर से उधर से सुनती आ रही थी कि भाई तेरे नाम का मिस यूज हो रहे थे, इतने गंदगी फैला रहे, मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, बंद हो जाएगा, पर नहीं, अब हद पार हो गई है। जैसे अभी के अभी, जैसे मैंने कहा था, मेरी सारी पोस्ट चीज डिलीट हो जानी चाहिए, और अब सिर्फ आज का दिन निकल गया, अब सिर्फ एक दिन बचा है, अभी सिर्फ दो लोगों का नाम मैंने बाहर निकाला है, उनके ऊपर इंक्वायरी करी है, बस मेरे एक्शन लेने की बात है। जहां मैंने इंस्पेक्टर से कहा कि सारे जितने भी, अभी तो ये सिर्फ ये दो हैं, मैंने तो कह दिया है कि भाई जो ये दो आपको भी मिले हैं ना, इनको घसीटते हुए लेके आओ, मैं खुद आऊंगी पुलिस स्टेशन, इनको बताऊंगी, इनको तो मैं ऐसे छोड़ने वाली हूं नहीं, हल्के में मत लेना मेरी धमकी। ये देख रहे हो ना नतीजा, उसका सारा अता पता निकल गया है, जिसके डर के मारे उसने अपनी आईडी का नाम बदल दिया है, पर फिर भी मेरी पोस्ट डाल रहा है। बेटा तू तो गया, अब बस तेरा नाम निकला है ना, अब देख अब कैसे तुझे घसीटते हुए लेके आते पुलिस स्टेशन, सारा एड्रेस वेड्रेस निकलवाऊंगी, अभी तेरा फोन नंबर निकलवाया ना, अब तेरा एड्रेस निकलवाऊंगी, अब देख तू, और पुलिस स्टेशन में आके तेरे सर पे इतने चार जूते मारूंगी ना, याद रखेगा, फिर देख तू कौन भाभी की बहन की बेटी है। और जो ये मुझे वाइफ वाला बोल रहा था ना, बेटा तू भी मिल थाने में, मिल मुझे, फिर बताती हूँ तुझे, वाइफ लगा रहा है ना, सारा ऐसे जूता मारूंगी ना तेरे, वो भी हील वाला की छेद हो जाएगा सर पे। ये मेरी लास्ट वार्निंग है, कल आखिरी दिन है, सारी की सारी पोस्ट डील्स का बल्कि आईडी डिलीट करो, बाकी किसी और की चला मुझे घंटा कुछ नहीं होता। अगर खुद के अंदर टैलेंट और हिम्मत है ना, तो खुद के दम पे फॉलोवर कमाओ, मेरे नाम का कच्चा करके फॉलोवर मत कमाओ, समझे। सो गाइस, जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई थी वो सब मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अभी फिलहाल दो लोगों पे इंक्वायरी करी थी पुलिस वालों ने, तो ये जिस सारी डिटेल्स आई है, बाकी इन्होंने जो जेएन म्यूजिक वाला इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मैं बाद में गंदगी फैला रहा था, तो उन्होंने मेरे पास भेजा, तो मुझे उस थ्रू पता चला, तो वो मैंने दिखा दिया। दूसरा जो मुझे वाइफ वाइफ कह के ऐसे बोल रहा था पुलिस वालों से, तो उसका अभी पूरा वो मतलब की बात करी थी ये वो, तो उसने ऐसे बोल के ना फोन काट दिया, फिर दोबारा उठाया ही नहीं उसने फोन, तो यहीं पे ये, पर पुलिस वाले कह रहे कि आप टेंशन मत लीजिए, हम उसका पता निकाल लेंगे, तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करिए, ये जो फेक आईडी वाले हैं इन्हें अनफॉलो कर दीजिए जल्द से जल्द, प्लीज इन्हें अनफॉलो करिए। और जो मेरी रियल ऑफिशियल आईडी मैंने बस कुछ ही दिन पहले ही बनाई है, वो मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, और जो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है वहां पे भी मैंने डाल दिया है अपने इंस्टाग्राम की आईडी में भी, सो प्लीज जाइए और फॉलो करिए,
जितना हो सके उतना फॉलो करिए ताकि इन लोगों का दुकान बंद हो सके, ये लोग गंदगी फैलाना बंद करें। और गाइस कल मैं लाइव आऊंगी तो टाइम, तो गाइस मैं कल 1 बजे आऊंगी लाइव, फिर लाइव में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगी। ओके सो बाय, टेक केयर। और मैं क्या ही बोलूं, हाँ मुझे तो गुस्सा आ रहा है ना इन फेक आईडी वालों के चक्कर में, मैं क्या ही बोलूं, पता नहीं लोग, मैं ना इन सब चीजों की वजह से ना मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो रहा है, एकदम डिस्टर्ब बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि लाइक ये लोग ये देख भी नहीं रहे कि हाँ ये बंदी कैसे इज्जत से वीडियोस बनाती है, अपना नाम इतना कमाए इसने अपने दम पर, हमें इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, पर नहीं ये लोग गंदगी फैला रहे, ऊपर से इतना झूठ है राम, किसी ने तो मुझे वाइफ भी बता दिया अपनी, कसम से कह रही हूँ, इन लोगों को ना थाने के डंडे ना खिलवाए ना तब देखा, पूरी वीडियो दिखाऊंगी कैसे डंडे खाएंगे ना, उसकी भी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, देखना आप, अब तो एक्शन होगा, अब होगा एक्शन, अब ऐसे एक्शन लूंगी ना कि आगे से किसी की भी फेक आईडी बनाने से पहले 100 बार सोचेंगे ये लोग, बहुत फायदा उठा लिया, मैं फेसबुक में नहीं थी तो इन लोगों ने बहुत फायदा उठा लिया, अब फायदा उठाने नहीं दूंगी मैं, अब देखना, अब इन लोगों के पसीने निकलवाऊंगी मैं। सो मैं जाती हूँ अब, बाय टेक केयर राधे राधे, मैं मिलती हूँ आपको कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, जय राधा रानी।